पहले से कार्यक्रम नहीं बने थे आने के लिए, लेकिन काफी वक्त कहीं कहीं आपका प्यार है जो खिंचलाया। काफी वक्त जब भी हम इकट्ठे होते हैं एक पारिवारिक रूप में, साप्ताहिक संगत या सात महीने के संगत में, तो कहीं ना कहीं सात जीवन को किस प्रकार सतगुरु के वचनों पर चलाए, सतगुरु के वचन को मानकर जीवन जिए, इस पर चर्चा हम करते हैं। चाहे वो सात संगत दुनियावी चीजों में देखे, क्या हम दुनिया को सतगुरु का संदेश देते हैं और वो पैगाम सत्संगत दिया जाता है कि परमपिता परमात्मा परम संग मौजूद है, और उपनाम उदाहरण सत्संगत हम देते हैं, चाहे हर व्यापक सरहद समाना प्रेम के प्रकट होए मैं जाना, कि हरि हर जगह व्यापक है प्रेम से प्रकट होता है। या तुलसी बाबा की वो लाइने कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन आना, आनंद रहित सकल रस होगी बीमारी वक्ता वर्जोगी, कि ऐसा है हमारा परमात्मा। और सत्संगत जिस दिन हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सही माने में सत्संगत इसी रूप में हमें परमात्मा का दर्शन कराया जाता है। और उस रूप में सत्संगत सबसे कहा भी जाता है, पूछा भी जाता है कि देख रहे हो परमात्मा। हम सब कहते हैं कि हम महाराज देख रहे हैं परमात्मा, अनशन मौजूद है, साथ रह रहा है। तो सत्संगत बड़ी विडंबना की बात, और सत्संगत इस मिशन की उलाइने भी कि ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। जब भी ये ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है सत्संगत कि क्या हम ब्रह्म को प्राप्त कर लिए हैं कि नहीं किए हैं। ज्ञान तो मिला, ज्ञान तो दिया गया, दास कई बार ये जिक्र किया है कि समुद्र को देख लेने मात्र से समुद्र की गहराइयों में छिपे हीरे मोती ज्वाहरात का पता नहीं चलता। ऊपर से हम देखते हैं तो सात्संगत समुद्र में तमाम उछाल, ठीक उसी प्रकार सात्संगत इस ज्ञान को ले लेने से जीवन में आनंद नहीं आने वाला। जब तक कि सात्संगत इस ज्ञान के तह तक नहीं जाएंगे, जब तक कि सात्संगत इस ज्ञान में उतरेंगे नहीं, सात्संगत जैसे हम समुद्र में नीचे उतरते हैं तो समुद्र का शांत स्वभाव नजर आता है, ठीक उसी प्रकार सात्संगत जब इस ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं सात्संगत, तो कहीं ना कहीं उन तमाम जो जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया वो चीजें सात्संगत हमें नजर आने लगती हैं। अभी महात्माओं ने जिक्र भी किया कि जो सुख चाहो सदा तो शरण राम की ले, अगर सुख की चाहना है तो राम के शरण में आना होगा। तो सात्संगत क्या राम के शरण में आने की बात कही गई तो राम का नाम लेने से राम के शरण में आ गए? क्या राम की भक्ति कर रहे हैं तो राम के शरण में आ गए? क्या राम की पूजा पाठ करते हैं तो राम के शरण में आ गए? नहीं सात्संगत, राम के शरण में आने का मतलब होता है कि राम ने जो किया, जो अनुसरण किया, उस अनुसरण को करने की जरूरत है सात्संगत। और निरंकारी मिशन सात्संगत वही अनुसरण करा रहा है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बार बार ये बातें कहते रहे कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, ज्ञान को कर्मों में उतारने की जरूरत है सात्संगत। और दास तो कई बार गारंटी के साथ कह देता है कि अगर ज्ञान जीवन में है, ज्ञान जीवन में उतर रहा है
तो शास्त्र में तकलीफ तो हो ही नहीं सकती। शास्त्र दास अपने जीवन में देखा आज से नहीं शास्त्रगत तकरीबन 30 साल हो गए शास्त्रगत और मिशन में जुड़े हुए और एक एक चीजें शास्त्रगत कहीं न कहीं सतगुरु आकर शास्त्रगत कहीं न कहीं इस रूप में प्रकट होकर रास्ता दिखाता है। तो कहीं न कहीं शास्त्रगत सहारा की बात जब आती है या राम के शरण की बात आती है तो ज्ञान को में तो उतरना ही होगा शास्त्रगत, भ्रमों को तो खत्म ही करना होगा शास्त्रगत। कब तक हम भ्रमित रहेंगे, कब तक शास्त्रगत उन तमाम आडंबरों में फंसे रहेंगे, कब तक शास्त्रगत हम इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, कब तक ये नहीं समझेंगे कि शास्त्रगत एक परमपिता परमात्मा जो अंग संग मुझे दिखाया गया और मेरे साथ मौजूद है। कहीं न कहीं शास्त्रगत हमको भी परमात्मा ने बुद्धि दिया, जैसे दुनिया को हम संदेश दे रहे हैं, दुनिया को बातें कह रहे हैं, दुनिया को शास्त्रगत कहीं न कहीं समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शास्त्रगत कहीं नहीं हमें भी समझना है, हमें भी सुख की प्राप्ति करनी है। जैसे दास आ ही रहा था तो गाड़ी शास्त्रगत जिसमें ब्रेक आयल होता है शास्त्रगत ब्रेक आयल कम हो गया था और दास दुकानें देख रहा था कि कहीं दुकान मिल जाए तो ब्रेक आयल लेके गाड़ी में डाल दे। अचानक ध्यान आया कि कहीं गाड़ी में ही तो ब्रेक आयल नहीं है तो शास्त्रगत पीछे बैठे महात्मा से कहा गया पीछे बैग में देखिए तो देखते हैं तो शास्त्रगत उसी में पड़ा हुआ और दास बताया कि कई दिनों से दास ये सोच रहा था कि गाड़ी जब भी स्टार्ट करता था और रास्ते में जाता तो ध्यान आता था कहीं कहीं जो चीज उसमें मौजूद थी उस चीज को हम रोज जोड़ रहे थे कई घंटे में दुकान पर से। महात्मा ने कहा इसमें एक उपाय है और वो बात ध्यान में दिलाने लगे कि कई बार विचारों में हम कहते हैं शास्त्रगत कि गाड़ी जो हमें ले जाती है या गाड़ी जो शास्त्रगत कहीं न कहीं जिसमें तेल टैंकर का जिक्र आता है टैंकर में तेल भरा होता है और वो तेल टैंकर ले जाके कई जगह छोड़ता है तो शास्त्रगत टैंकर तेल भर के ले जाता है पूरा टैंकर में पूरा शास्त्रगत कई हजार लीटर तेल होते हैं लेकिन वो केवल टैंकर में भरे रहे और गाड़ी जो टैंकर ले जाने वाला शास्त्रगत गाड़ी है उसके इंजन में न जाए तो शास्त्रगत वो इंजन भी चल नहीं सकता वो भी कहीं ले नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार शास्त्रगत हमें भी अपने जीवन में शास्त्रगत इस ज्ञान को उतारना हो। दुनिया तक पहुंचा रहे हैं बातों को दुनिया तक शास्त्रगत ये बातें तो कह रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में क्यों नहीं सुख आ रहा है, हमारे जीवन में क्यों नहीं आनंद आ रहा, हमारे जीवन में मौज क्यों नहीं आ रहा, हमारे जीवन के भ्रम क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी इस ज्ञान पर नहीं चल रहे हैं शास्त्रगत, कहीं ना कहीं हम भी इस ज्ञान को सही मायने में समझ नहीं पा रहे हैं शास्त्रगत। आओ हमें भी चेतने की जरूरत है शास्त्रगत और शुक्र है दास अक्सर कहता है शुक्र करो कि मकसद ने जो लिया मुरीदों में हमको वरना दुनिया में कभी कहा थी क्षमा को परवानों की। शुक्र है परमात्मा ने चुना, शुक्र है कि तमाम तपती भरी दुनिया से निकाल कर शास्त्रगत इंसान का जन्म दिया। शुक्र है शास्त्रगत दास कई बार जिक्र किया है कोई अगर हमें एक वक्त का खाना दे देता है कोई हमें अच्छा रास्ता दिखा देता है तो हम उसका एहसान जीवन भर मानते हैं। कहते अरे वो महाराज मैं बड़े परेशान था मैं बड़ी दिक्कत थी बड़ी परेशानियां थी और वो आए मेरी मदद कर दिया ऐसा हम जीवन भर मानते हैं। लेकिन कभी हमने विचारा कि जो हमें इस परमात्मा से जोड़ दिया जो हमें शास्त्रगत इन तमाम तपती बड़ी दुनिया से निकालकर 84 लाख जोनियों में भ्रमण कर रहे थे और 84 लाख जोनियों से निकालकर शास्त्रगत कहीं न कहीं इंसान का जन्म दिया और उसके बाद शास्त्रगत इस परम पिता परमात्मा से जोड़ दिया तो उसका कितना बड़ा एहसान था। हम एक दिन के लिए एहसान मानते हैं लेकिन जो हमारा जीवन बदल दिया जो हमारे जीवन में सुंदरता ला दिया जो हमारे जीवन में ऊंचाइयां ला दिया उसका एहसान और शास्त्रगत काश से हम चेत जाए। और अभी जिक्र भी हो रहा था शास्त्रगत यहां बैठे हैं शास्त्रगत
सत्संग की महिमा